नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर सरगम संगीत लहर के इस कार्यक्रम में चंबा हलचल के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी कई ऑडियो वीडियो जो है मार्केट में आ चुकी है, ये जो है हिमाचल की शान। आइए आपको रूबरू करवाते हैं श्री पीयूष राज जी के साथ। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप हिमाचल के बहुत मशहूर कलाकार हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, और ये गायकी का शौक आपको कब से पैदा हुआ? जन्म मेरा यहीं चंबा में हुआ, और इसके बाद मेरी पढ़ाई भी कॉलेज तक यहाँ पर हुई, और उसके बाद मैं म्यूज़िक सीखने के लिए मैं दिल्ली चला गया। और जहाँ तक माहौल की बात है, वो चंबा में खुद ब खुद इतना माहौल उस वक्त भी था, आज भी शायद है, और उस वक्त बहुत ज़्यादा था, और घर घर में म्यूज़िक पसंद किया जाता था, सभी लोग गाते थे, इकट्ठे लोग इकट्ठे होके, तो इस वजह से मुझे शौक़ हुआ। और मैं यहाँ पे तो खैर सभी सुरीले लोग थे, तो मैं थोड़ा एडवांस में चला गया बाहर सीखने के लिए, तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। आप बाहर गए गीत वगैरह सीखे, लेकिन आप पहाड़ी लोग की जो है उनको ज़्यादा जो है गाते आ रहे हैं, कि इसके अलावा भी आप कुछ और भी गाते आ रहे हो क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगा। वैसे तो मैं गज़ल गाता हूँ, दिल्ली में मैंने क्लासिकल सीखा, और क्लासिकल तो खैर कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट था यहाँ पे, और दिल्ली में जाके मैंने अपने जो गुरु जी हैं मेरे एल के पंडित जी, उनके पास मैं शागिर्द बना, ग्वालियर घराने के हैं, और गज़ल गाने का मेरा शौक़ था। मैं मेहदी हसन साहब को बहुत पसंद करता था, तो उनको फॉलो करता था, तो गज़ल गाने का शौक़ था। लेकिन मैंने देखा कि हमारा जो फोक है, ख़ास करके हिमाचल में चंबा का जो फोक है, उसमें खुद ब खुद इतनी ताकत है, उसकी जो मेलोडी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो मैंने कंपैरिजन किया कि ये भी कहीं किसी कोई भी गाने की कोई भी विधा है, उसमें किसी से भी कम नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको बरकरार रखा। और कहीं भी मैं गाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में गाता हूँ, तो हिमाचल फोक मुझसे सुनते हैं, स्पेशली चंबा, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चंबा में पैदा हुआ और चंबा का फोक मैं गाता हूँ, और यहाँ पे भी लोग मुझे फोक की वजह से जानते हैं या पूरे हिमाचल में। जी सर, देखा जाए चंबा में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो कि हिंदी सॉन्ग्स गाते हैं पहाड़ी, लेकिन आप एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिमाचल ही नहीं पूरे देश में जो अपना नाम कमाया है, बाहर जाके भी जो है पहाड़ी गीत को नहीं छोड़ा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे चलकर हमें और कैसे कैसे गाने देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे? आगे चल के भी मैं यही करना चाहता हूँ कि जो लोग जो यहाँ के जो पुराने गीत जो आजकल ज़्यादा गाए नहीं जाते हैं, तो मैं उनको लोगों के सामने ला के उनको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पुराने गीतों में जो ताकत है वो हिमाचल में दूसरी जगह के जो वहाँ का जो फोक है तो वो उनसे ज़्यादा माने जाते हैं, और हिमाचल के बाकी जगह के लोग भी ये मानते हैं इस बात को कि चंबा का फोक जो है वो काफ़ी अच्छा है। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हिमाचल की टॉप लिस्ट के जो सिंगरों के नाम आ रहे थे, तो आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे चंबा के रहने वाले पीयूष राज जी जो है टॉप 2 में जो है अपनी जगह बना चुके हैं, टॉप 1 में जो है मोहित चौहान जी हैं, और दूसरे स्थान पर जो है हमारे साथ बैठे अभी पीयूष राज जी है। तो आप कैसा महसूस करते हैं खुद को दूसरे स्थान पर पाकर? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं, और ये मैं मानता हूं कि ये हमारे फोक की ताकत है जो मुझे ये पोजीशन मिली है गूगल पे। सर, हमारा जो ये हिमाचल का कल्चर है, चंबा का स्पेशल कल्चर जो कि बहुत रिच है, पर ये आप किस आप तो बहुत इसको आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी आजकल की जो है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो कि ये कैसे और आगे जाएगा, जो आजकल की हमारी युवा पीढ़ी है वो कैसे इन चीज़ों को फॉलो करे? मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको चाहिए कि फोक के लिए कुछ करें, क्योंकि हिमाचल में डिपार्टमेंट तो बना दिए हैं, लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन हिमाचल फोक की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जैसे फ़र्ज़ करो, आप ये अपने यहाँ का मिंजर ले लीजिए, ठीक है, तो मिंजर में चंबा का फोक
जैसे ऐसे ऐसे उसको लिया जाता है जैसे एक सेकेंडरी चीज़ होती है, ठीक है। हालांकि चंबा फोक जो मिंजर में हावी रहना चाहिए जी। लेकिन उसको ऐसे लिया जाता है बिल्कुल लाइटली कि चलो कुछ भी नहीं है, यहाँ का फोक ही तो है, चलो 4-5 बजे 6 बजे प्रोग्राम करा दो इनका, तो बाकी उसके बाद आ जाता है पंजाबी कल्चर या फिल्मी कल्चर, ठीक है, जो लोगों को ज़बरदस्ती सुनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग पंजाबी सुनना चाहते हैं बहुत, या कुछ कुछ चंद लोग हैं जो शायद खा पी के मस्ती करना चाहते हैं, उनके लिए खाली पंजाबी म्यूज़िक पेश कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक हिमाचल के चंबा के म्यूज़िक की बात है, उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, और पब्लिक को भी बोलना चाहिए उसके लिए, खाली एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, तो पब्लिक को भी इसके लिए चाहिए कि आगे बोले कि हमारे म्यूज़िक को प्रेफरेंस दें, तो तभी आगे जाके जो हमारे जो आज की जो जनरेशन है वो आगे सीखेगी, है ना। तो अगर किसी तरह इसी तरह चलता रहा तो एक टाइम आ सकता है कि ये खाली बहुत पीछे चला जाएगा म्यूज़िक, और आजकल कंडीशन ठीक नहीं है इसकी। बिल्कुल सर, आप कई सालों से बाहर रह रहे हैं जी, उसके बावजूद भी आपने जो लोकगीत है हमारे पहाड़ी गीत हैं उनको तो भूलना तो दूर, आपकी जो भाषा है यहाँ की वो भी आप नहीं भूल पाए हैं। आजकल के आप जनरेशन देख रहे हैं, हम ज़्यादातर जो है छोटे से बच्चे जो है वो चमियाली तो बिल्कुल भूल चुके हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि वो हिंदी बोले इंग्लिश बोले, तो क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, हमें अपनी भाषा भूल के क्या बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं, भाषा तो कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने देखा पंजाब में वो कहते हैं माँ बोली पंजाबी, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस देते हैं, और जो लोग वहाँ से बाहर भी दूसरी कंट्रीज़ में बस चुके हैं वो भी इसको प्रेफर करते हैं, और वहाँ पे भी उस कल्चर को हाईलाइट करते हैं। तो हमें अपने कल्चर में अपनी जो भाषा है उसको बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है कि हम अगर चंगाली में बात करेंगे या कुछ तो हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए इस बात के लिए। बिल्कुल सर, तो इस चीज़ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम अपने दर्शकों को बता दें, वैसे तो पीयूष राज जी बहुत से ऐसे सम्मान पा चुके हैं, बहुत से अवार्ड पा चुके हैं, लेकिन 2016 में हिम तरु राजे सम्मान पाकर आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी ने तो पहचाना मुझे, हालांकि लोग बाग प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। अभी मैं छतराड़ी गया था, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे प्रोग्राम था जातर में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसे गाने की फरमाइश आ गई जो मैं सोच भी नहीं सकता था, जो बिल्कुल एक स्लो टाइप का गाना था और बड़े अच्छे अल्फाज थे उसके, और वो मैंने 1988 में वो गाना गाया था, तो उसकी फरमाइश आ गई वहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बाग जानते हैं, यही हमारा इनाम है, यही हमारा अवार्ड है। बाकी जो उसका स्टेट अवार्ड जो मिला है हिमतरु से जो मिला है वो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो उसके लिए उनको मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, और खुशी हुई मुझे उस बात की। आपने इतना नाम कमाया है, हर कोई बच्चे से लेकर बड़े तक सभी आपको जानते हैं, आपके गाने सुनते हैं, हालांकि आज का जो टाइम है वो पंजाबी गाने सुनते हैं ज़्यादातर बच्चे जो है, युवा पीढ़ी जो है सारे ऐसे फोक को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आपके जितने भी गाने आते हैं उनका वीडियो भी सारे इंजॉय करते हैं, आपके गाने भी सुनते हैं। जो मैंने बुजुर्गों से सुना है उसमें मैंने कोई आगे आके तोड़ मरोड़ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया है, बीच में जो म्यूज़िक होता है उसके अलावा मैं जो सिंगिंग पार्ट है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ता हूँ, और जो 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 ओरिजिनल है जैसे है, और फिर वीडियो में भी थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि वो जो अपना कल्चर है वही लेके आएँ, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आपने चंबा ही नहीं हिमाचल के और लैंग्वेज में भी काफ़ी गाने गाए हैं, बंजारा आपकी सुपरहिट जो वीडियो ऑडियो रही है, तो इतना उसमें आपको प्यार मिला, तो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे उस वीडियो का इतना प्यार देना? उस वीडियो को लोगों ने सराहा, उनका मैं आप सब पब्लिक का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ख़ास करके जो एक गाना मैंने जो कुल्लू का गाया था भावा रूपिए, वो लोगों ने बहुत पसंद किया, और कुल्लू में भी लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे, अभी मैं कुल्लू शूटिंग पे गया था तो वहाँ पे काफ़ी लोग पहचानते हैं, काफ़ी लोग प्यार करते हैं, तो दूसरी जगहों में भी ऐसा ही है, तो हमारे वीडियोज़ यहाँ के काफ़ी, एक तो चंबा का कल्चर ऐसा है कि सब जगह जाना पहचाना जाता है और लोग पसंद करते हैं,
तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारा जो ये कल्चर है ये सिर्फ हिमाचल तक क्यों सिमट के रह गया है? आप देख सकते हैं पंजाब का कल्चर है वो नेशनल से इंटरनेशनल तक पूरे वर्ल्ड में जो है लोग उनको देखते हैं सुनते हैं, तो ये हमारे कल्चर कैसे आगे जाएगा? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं इसके लिए यही कहूँगा कि जो हमारे कल्चर की जो रिचनेस है वही हमारे लिए नुकसानदायक होगी एक वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ कल्चर और डिफरेंस ऑफ जो लैंग्वेजेस हैं उस वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। जैसे चंबा में ही पांगी अलग है, भरमौर अलग है, और चुरा का अलग है, चंबा का अलग है, तो ये जो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी जैसे पंजाबी है या राजस्थानी है वो डिफरेंस तो होता है लेकिन इतना नहीं होता। अब जैसे राजस्थानी एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज है, हिमाचली कोई लैंग्वेज नहीं है, हिमाचल की तो नहीं, हिमाचली कोई लैंग्वेज अपनी नहीं है, language. चंबा की अपनी है, मंडी की अपनी है, और सबकी आगे भी छोटी 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 बोलियाँ ये बहुत सारी हैं। तो एक ये वजह है, बाकी एक ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसके लिए कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। मैं साफ कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं करती, और इवन जो हमारे मेले है उसमें भी बाहर के लोगों के प्रोग्राम करवाती है और अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, जो सोचने की बात है और इसके लिए काम करना चाहिए। हम हर वर्ष सोचते हैं कि आप मिंजर मेले में दिखे, आपके गाने सुनने को मिले, लेकिन इस वर्ष आप मिंजर मेले में नहीं आए, तो उसके पीछे कुछ वजह? उसके लिए भी, उसके पीछे भी यही वजह है कि बीच में हमारे कल्चर को बड़ा लाइटली लिया जा रहा है ना, एक प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, मैं यही कहूँगा और क्या कह सकता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको सोचना चाहिए। डिपार्टमेंट भी क्या करेगा जब उनके जो ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे कुछ एक्शन लेने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो सर आपको क्या लगता है ये जो हमारा कल्चर है इसमें पॉलिटिक्स रहती है क्या, जब शोज़ की बारी आती है या किसी भी चीज़ को लेकर? कल्चर में नहीं रहती पॉलिटिक्स, कल्चर में नहीं रहती, लेकिन हाँ प्रोग्राम्स जहाँ पे देने की बात होती है वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स रहती है। और जो यहाँ के जो अच्छे आर्टिस्ट कोई हैं उनको उनके साथ हिमाचल के पूरे उनके साथ बहुत मोल भाव किया जाता है। जो बाहर के आर्टिस्ट आते हैं उनको खुला पैसा जितना वो मांगते हैं वो दे दिया जाता है। वो जैसे एक घंटे का प्रोग्राम है तो वो आधा घंटा बातें ही करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं यही कहूँगा। और 15-20 मिनट एक घंटा आधा घंटा गा के वो अपना खूब पॉकेट भर के ले जाते हैं, और यहाँ की इकोनॉमी भी बाहर जा रही है और यहाँ का कल्चर जो है वो भी पिट रहा है, है ना। तो मैं यही कहूँगा सर, आप देख सकते हैं कि आजकल जब भी हम स्टेज शो देखते हैं वहाँ पे अच्छे सिंगर तो रहते हैं, लेकिन उनके अलावा कई ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने सीखना तो दूर की बात है, उनको सिंगिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो वो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको अच्छा लगता है जब आप उनको स्टेज पर देखते हैं? नहीं, उसकी वजह भी वो नहीं है, उनको तो बेचारों को शौक है जी। कि वो आए, वो किस लेवल तक गाते हैं उनको पता नहीं है, है ना, लेकिन अप्रोच है, अप्रोच की वजह से वो लोग स्टेज पे आ जाते हैं। तो ये उनको चाहिए जो जिनकी चलती है, जिनकी अप्रोच है, जो जो लोग ऊपर के अहदों पे बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि अपने कल्चर को बचाने के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दिया जाए। बिल्कुल, है ना। ऐसा करते रहेंगे तो फिर जो डिज़र्विंग है उनकी अप्रोच नहीं है वो पीछे रह जाएंगे, और जो डिज़र्व जो जो कि डिज़र्व नहीं करते वो स्टेज पे आके गा रहे हैं, उनको आप 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट ऐसे दे रहे हैं तो वो एक जैसे मजाक सा बन के रह जाता है कितनी बड़ी स्टेज का। जी सर। इसी गांव चंबा के रहने वाले, पर आपका दिल्ली की ओर कैसे रुझान रहा, आप कैसे वहाँ गए, स्टार्टिंग कैसी हुई आपकी? अब वो इसलिए हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो मैंने यहाँ पे जो मैं करता था तो मुझे यहाँ पे स्कोप नहीं लगा। उस वक्त प्रोग्राम्स वगैरह भी नहीं होते थे इतने, और कैसेट्स वगैरह भी नहीं थी यहाँ पे, तो मैं कुछ आगे करना चाहता था। जैसे बाकी सिंगर्स को सुनता था, उनको रेडियो पे टीवी पे देखता था, कैसेट्स में सुनता था, तो वीडियोस देखता था, तो मुझे लगता था कि मैं भी यहाँ पे जाऊँ, तो वो बाहर जाए बिना वो हो नहीं पाता, इसलिए मैं यहाँ से गया और वहाँ पे जाके मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया। और हिमाचल का फर्स्ट कैसेट 1983 में मैंने गा के वहाँ पे पहला कैसेट यहाँ पे भेजा, और पूरे हिमाचल में लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, और पहले ही कैसेट में मैंने मिंजर की मल्हार वगैरह गाई थी। अच्छा, तो काफ़ी उसमें लाइट क्लासिकल का माहौल था। अच्छा, तो लोगों ने बहुत पसंद किया उसको।
तो पहली एल्बम का कुछ सुनाएंगे आप? पहली एल्बम में जो मैंने गाया था वो थोड़ा क्लासिकल टाइप ही था, जो यहाँ पे मिंजर में गाया जाता है। काफ़ी सारे सॉन्ग्स थे, 8-9 गाने थे, तो उसमें से एक मैं सुनाता हूँ। बिंदलु मैंने ओ लाना यार, टिकलू मैंने ओ लाना यार, ओ बसना राजरे पहाड़, बिंदलू मैंने ओ लाना यार, घर घर बिंदलू है भला, घर घर टिकलू मेरी जानो, घर घर बिंदलू है भला, घर घर टिकलू मेरी जानो, घर घर बांकियां हैं नारा, घर घर बांकियां हैं नारा, बिंदलू में नहीं ओ लाना यार, बिंदलू में नहीं ओ लाना यार। बहुत खूब सर, बहुत खूब, थैंक यू। तो इस किस्म के गाने भी उस वक्त लोगों ने बहुत पसंद किए, तो घर घर में हर गाड़ी में इस किस्म के गाने बजते थे। तो आजकल मेरे ख्याल में ऐसे गाने गाए जाएं तो कोई कैसेट भी खरीदेगा नहीं। नहीं, अगर आप गाएंगे तो ज़रूर खरीदेंगे। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। सर, हमें पहाड़ी गीत तो काफ़ी सुनने को मिले हैं, क्या आगे चल के आप गज़ल या कुछ क्लासिकल मार्केट में लाएंगे? नहीं, गज़ल्स मैंने वहाँ पे, मैं दिल्ली या दिल्ली से बाहर में गज़ल्स के शोज़ करता हूँ और ख़ुद की कंपोजिशंस करता हूँ, और अभी मैं दो फिल्मों में गज़ल गा भी चुका हूँ, और एक फिल्म एक चूड़ा एक प्रथा है, राजस्थान कल्चर पे बेस्ड है, तो उसमें मैंने गज़ल स्क्रीन पे भी मैं ही गा रहा हूँ उस गज़ल को, तो वो भी फिल्म शायद रिलीज़ होने वाली है इस जनवरी में। कुछ गज़ल दो लाइन हो जाएगी क्या? हाँ, ये जो गज़ल है, ये गज़ल जो मैंने गाई है, ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है ये गज़ल, और उसमें जैसे बेटियों पे, बहनों पे, माओं पे जो अत्याचार होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि वो कई किस्म के जो भी है। हाँ, उसका एक बोल बताता हूँ आपको। पहले ससुराल पे इल्जाम था लेकिन अब तो, पहले ससुराल पे इल्जाम था लेकिन अब तो, माँ तेरी कोख में बेटी तेरी कट जाती है, रात सहनी हुई आँखों में ही कट जाती है, रोज है दोस्त मेरी नींद उचट जाती है, रात सहनी हुई अब तो माँ बाप भी मुल्कों की तरह मिलते हैं, अब तो माँ बाप भी मुल्कों की तरह मिलते हैं, सरहदों की तरह औलाद भी बट जाती है, सरहदों की तरह औलाद भी बट जाती है, रात सहनी हुई। बहुत खूब सर, बहुत खूब, थैंक यू। सर, देखा जाए आप चंबा ही नहीं, हिमाचल के कई ऐसे कलाकार हैं जिनको आगे ले जाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, उनमें से हमारे चंबा के राजीव थापा जी हैं, जो कि जिनको आपने बहुत हेल्प करा है वो आगे
तक जो पहुंचे हैं, उसके पीछे जो आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो ये आप उसके बारे में बताएं, आप कैसे और क्यों किस लिए करते हैं, आपको अच्छा लगता है किसी? मुझे ये सब, खैर मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, लेकिन जो मुझसे हो पाता है जी। मैं म्यूज़िक के लिए करना चाहता हूँ, म्यूज़िक के लिए करना चाहता हूँ, चंबा कल्चर के लिए, हिमाचल कल्चर के लिए करना चाहता हूँ, और इसके अलावा मेरा कोई इसमें कोई नहीं, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सब करता हूँ। राजीव के अलावा और भी हिमाचल से कई दूसरे फेसबुक की वजह से, फेसबुक के ज़रिए कई लोग मुझसे जुड़े हैं, तो वो मुझसे टेलीफोन नंबर मांगते हैं, मैं उनको नंबर देता हूँ, वो लोग मुझसे बात करते हैं, वो मुझसे प्रोसीजर पूछते हैं कैसे क्या करना चाहिए, तो मुझसे जहाँ तक हो पाता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे दिल को अच्छा लगता है। और कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अच्छा नाम जो कमाया है, राजीव आज की डेट में अगर अच्छा नाम उसका हुआ तो मुझे उसको टीवी पे देख के खुशी होती थी, तो इवन जो उसके बाद मैं बताऊँ कि एक प्रोग्राम में राजीव उसके बाद आया था जिसमें फोक गाया जाता था जी जी, है ना, तो उसमें उस वक्त मैं शिमला में था कुछ टाइम के लिए, तो राजीव को जैसे शूटिंग करनी है तो वो मुझे शाम को फ़ोन करता था कि भाई साहब ये गीत बताइए, तो मैं वहाँ से उसको फ़ोन से वो गीत सिखाता, उसकी धुन सिखाता था कि नहीं इस जगह से ऐसा है, तो वो मैंने उसको फ़ोन पे कई गीत फोक के सिखाए हैं जो वो उसके बाद वो कॉम्पिटिशन में गाता था। सर आप कईयों के एक गुरु रहे होंगे, लेकिन आप अपने गुरु के बारे में बताएं, आपके गुरु कौन रहे हैं? हाँ, मेरे गुरु सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि परिवार में ही मुझे काफ़ी सीखने को मिला, मेरे दादाजी बहुत अच्छा गाते थे, मेरे पेरेंट्स अच्छा गाते हैं, और खैर सारे चंबा में जितने भी बुज़ुर्ग थे सबको मैंने सुना है और उनको सुन सुन के मैं सीखा हूँ, और उसके अलावा मैं कॉलेज में गया तो मेरे गुरु जी पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी थे, यहाँ पे कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने मुझे मौका दिया यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में गाने का, तो वहाँ से मैं प्राइज़ वगैरह लेके आता था, तो वहाँ से मुझे एक किस्म की लत लग गई और मैं फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाने लगा, तो वहाँ से एक सीखने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैं गया दिल्ली, और दिल्ली में ग्वालियर घराने के श्री एल के पंडित जी, उनका शागिर्द बना, और गंडा बन शागिर्द जिसे कहते हैं, एक पुराना एक सिस्टम है कि गुरु अपने शागिर्द को गंडा बांधता है और एक उसकी एक रस्म होती है, तो मैं उनका गंडा बन शागिर्द बना ग्वालियर घराने का, और उनसे सीखा, और साथ में जो जिनको मैंने गज़ल सुन के जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, मेहदी हसन खां साहब पाकिस्तान के, तो उनको भी फॉलो करता रहा और गज़ल, फिर उनकी वजह से मैंने गज़ल गानी सीखी, तो ऐसे ऐसे बाकी अभी तक सीख रहा हूँ, सबसे सीखता हूँ, जो भी अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है सबसे सीखता हूँ। अपने आगे के प्रोजेक्ट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले जो मैंने लेटेस्ट अभी जो हाल ही में मेरे गीत आए हैं वो मेरे बचपन से मैंने सुने थे, और उसमें से एक गीत है जो खेमराज गुप्त थे, चंबा के रहने वाले थे, उनका एक लिखा हुआ गीत है साई साई मत कर रावी, तो एक वो सॉन्ग, एक जुग जियो धारा रे गुजरो, तो मेरे दोनों ये बचपन से सुनता था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मेरे ड्रीम सॉन्ग्स थे कि कभी मैं अगर अच्छी जगह पहुंचा, एक सिंगर बना, तो मैं ये गीत ज़रूर गाऊंगा। तो अभी ये पहले मैंने साई साई मत कर रावी गाया जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया यूट्यूब पर, और उसके बाद जुग जियो धारा रे गुजरो, उसको भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और दिल्ली में बहुत अच्छी टीम है हमारी, प्रोड्यूसर की, म्यूज़िक डायरेक्टर की, जो इस पे काम करते रहते हैं, जैसा मैं कहता हूँ वो मेरा बहुत साथ देते हैं, और आगे भी अभी एक सॉन्ग शूट करने जा रहा हूँ, वो भी एक बड़ी ट्रेडिशनल स्टोरी है, तो एक रूपणू पुहाल, सब सुना होगा, आप सब ने सुना होगा, और वो एक बड़ी पुरानी स्टोरी है, तो उस पर एक मेरा ऑडियो है मेरे पास, तो उसको अभी शूट करने जा रहा हूँ अभी एक दो दिन में, तो अभी देखिए वो भी कुछ दिनों में लोगों के सामने आएगा, तो लोग बहुत पसंद करेंगे। सर आपकी बेटी दीक्षा जी जो है बहुत प्यारा गाती हैं, तो उनके बारे में बताएं, टॉप 10 में रही हैं इंडियन आइडल में, तो उनका वो कैसे सीखी है, वो कैसे वहाँ तक पहुँची, और आगे चल के वो हमें और कितना अच्छा अच्छा देखने को सुनने को मिलेगा उनसे? दीक्षा खैर बचपन से घर में माहौल था जी। तो मेरा रियाज सुन सुन के वो बड़ी हुई,
और जब बड़ी हुई तो स्कूल वगैरह में जब गई तो उसको मैंने थोड़ा उसी हिसाब से सिखाया, तैयार किया। तो स्कूल कॉलेज में अच्छा उसने किया, दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे आई वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। तो इंडियन आइडल में गई वो 2013 में जी। और टॉप 10 में आई, और उसके बाद वो बॉम्बे में है, बॉम्बे में 3-4 साल से स्ट्रगल कर रही है। तो कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह में, टाइटल सॉन्ग्स में, और या जो बीच में सॉन्ग्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है, शोज़ कर रही है, और एक दो मराठी फिल्मों में उसने गाया है अभी। तो वो अपना काम कर रही है अच्छे से। अभी जो हाल ही में यूट्यूब पे आप देखेंगे, आपने सॉन्ग सुना होगा मायनी मेरी जम्मू दे राय। तो जो लोग सुनते थे, जो लोगों के सामने था, वो ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं थी। अच्छा। जो कि एक बहुत अच्छे सिंगर ने गा रखा है कई साल पहले। जी जी। मेरे ख्याल वो 35-40 साल पहले का सॉन्ग है। फिर बाद में मोहित चौहान ने गाया तो थोड़ी सी धुन बदल दी या कुछ ऐसा, लिरिक्स भी चेंज कर दिए। तो मेरे को उस बात का थोड़ा सा एक मलाल भी था कि हमें जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। मैं खुद भी ऐसा ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ओरिजिनल सॉन्ग्स, उनके लिरिक्स या उनकी जो धुन है वो ना छेड़ी जाएँ। अगर हम कर सकते हैं तो नए करने चाहिए। तो वो मैंने गाना दीक्षा से गवाया। पर देखा जाए आजकल जितने भी हमारे आजकल के जो नौजवान हैं, जितने भी सॉन्ग्स निकालते हैं, गिटार पे रहता है उनका, या फिर कुछ नए अपने स्टाइल से निकालते हैं, तो अब वो तो अपना जो है कल्चर उस दूसरी ओर को ले जा रहे हैं, तो वो कैसे ठीक होएगा, आप बताइए इसके बारे में। उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल अपने कल्चर के लिए, अपनी सादगी के लिए, ईमानदारी के लिए मशहूर है, और ये चीज़ जो है बड़ों को ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल। है ना, अपने कल्चर को आगे ले जाने के लिए एक साथ जो चाहिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को, और साथ में पब्लिक को मिल के कुछ करना पड़ेगा। तो बीच में कोई एक आध कोई अच्छा करना भी चाहता है तो वो अच्छा करने का, वो जब स्टेज पे जाएगा तो लोग बोलेंगे भैया थोड़ा सा फास्ट सुना दे जी, नहीं जी। तो अच्छे गाने नहीं सुने जाएंगे, खाली डांस नंबर सुने जाएंगे। बिल्कुल। तो कल्चर कहाँ से आगे आएगा। कई सॉन्ग है सर ऐसे जो कि है उसमें म्यूजिक डाल दिया गया है। तो अभी जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रेयर सॉन्ग्स गाने की कोशिश करता हूँ जो किसी ने, जो आजकल पॉपुलर नहीं है सॉन्ग्स, लेकिन अच्छे सॉन्ग्स हैं, तो मैं वो सॉन्ग्स गा के लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूँ। सर हमारे युवा पीढ़ी के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे। मैं युवा पीढ़ी के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारा जो फोक है इसको आप नज़रअंदाज ना करें, और इसको सीखें, इसको अच्छे से गाएं, इसकी बहुत कदर है। क्योंकि मैं एक गवाह हूँ इस चीज़ के लिए। मैं बाहर जाता हूँ, बाहर गाता हूँ, और लोग बहुत एडमायर करते हैं, तो मुझे बार बार उनको समझ भी नहीं आता, फिर भी वो बार बार सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ तो ताकत है। तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ भी गाइए, कोई पॉप गाने में या फिल्मी गाने में कोई बुराई नहीं है, सब अच्छे से गाइए तो सब अच्छा लगता है, लेकिन अपने फोक को भूलना नहीं चाहिए। तो आप इसे सीखिए, गाइए, तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप अपने कल्चर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए, और उम्मीद करते हैं आगे चलकर हमें बहुत अच्छे अच्छे आपके गाने देखने को मिले, सुनने को मिले। तो एक बार फिर से आपका थैंक्स। थैंक यू वेरी मच, और मैं आपका भी और चंबा हलचल का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे साथ चंद बातें करी, और मुझे भी मौका मिला कि मैं अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू। आप देख रहे थे, हमारे बीच आज मौजूद थे श्री पीयूष राज जी, जो कि हिमाचल के लोक गायक हैं। तो बहुत जल्द हम अगले एपिसोड में आप सभी के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।